हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बनेगा बैंगन का भरता चोखा। तो ये यशोदा जी बैंगन में लहसुन लगा रही हैं, इससे स्वादिष्ट चोखा हो जाता है। अब बैंगन को कुकर में रख दिया है उबालने के लिए। अब उबलने के लिए रख दिया है। कुकर को बंद कर दिया है दोस्तों। अब टमाटर को काट लें चोखे में डालने के लिए। 3-4 टमाटर ले लीजिए। अब लहसुन की कलियां ले लें, 8-10 कलियां इसमें डालेंगे। लहसुन काट लिया है, अब हरी धनिया को काट के डालेंगे। हरी धनिया को महीन महीन करके डालना ही होगा, ठीक है दोस्तों? धनिया को महीन महीन काट लेंगे। इससे चोखा अच्छा बनेगा। इसमें धनिया पड़ जाएगी, टमाटर, लहसुन। इससे चोखा बड़ा अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट चोखा। ये सब काट लिया है दोस्तों। अब प्याज काट लेंगे। तीन चार प्याज ले लेंगे डालने के लिए। थोड़ा प्याज महीन महीन काट के डालेंगे, अच्छा रहेगा इसमें दोस्तों। प्याज काट रही हैं सौदा जी, आंखों में जरब बहुत मार रहा है प्याज। हरी हरी मिर्च को काट लेंगे 4-5 स्वाद अनुसार के लिए। दोस्तों ये हमारा सब सामान अब तैयार हो गया है। लहसुन, मिर्च, प्याज, बैंगन उबल गया है दोस्तों। उबलने के लिए रखा था, उबल गया है। अब इसको छीलेंगे। इसका ऊपर का बकला जो है निकाल देंगे दोस्तों। बैंगन बैंगन दोस्तों पूरा गल गया है, 3 सीटी में ही गल गया। ये बैंगन दोस्तों ताज़ा लाए थे, ताज़ा बैंगन है। इसमें दोस्तों देख लेंगे कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है। बैंगन में कीड़े ज़्यादातर ही निकलते हैं। अब हमारा बैंगन तैयार हो गया। अब इसे देख लेना बदलिया सारे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लें, कड़ुआ तेल।
सरसों वाला तेल है ये दोस्तों, इसमें डाल दिया प्याज, प्याज को ऐड कर लिया इसमें। अब डालेंगे लहसुन, चोखा हमारा दोस्तों बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं, अब हरी मिर्च डाल दिए दोस्तों। अब इसको पकाएंगे, पक रहा है दोस्तों। इसमें बैंगन डालेंगे, बैंगन का जो भरता था वो डालेंगे। अब इसको चलाएंगे दोस्तों, अब हमारा तैयार हो गया है। अरे इसमें मसाला डाल देंगे, इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये मिर्च है, एक चम्मच मिर्च है, एक चम्मच धनिया है, एक चम्मच हल्दी है। अब इसमें मैंने डाल दिया है ये गरम मसाला है, थोड़ा और डाल दें गरम मसाला। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक डाल दिए, अब इसको चला देंगे। ऊपर से धनिया डाल देंगे सूखी, तो देखने भी अच्छा लगेगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों।